यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 18,000 में से ज्यादातर छात्र अपने देश लौट चुके हैं, यानी कि वो भारत में आ चुके हैं। और बाकी जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग नहीं आ पाए, उन्हें लौटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इन छात्रों की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। यदि अगले कुछ दिन, कुछ महीनों तक वहाँ हालात सामान्य नहीं होते तो उनका कैरियर तबाह हो जाएगा। अनेक छात्र इसमें ऐसे हैं जो MBBS के लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आपसे गुजारिश भी करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध थमा नहीं है, लिहाजा संकट बरकरार है। इस युद्ध से जो अनिश्चितता का माहौल बना है, उसमें यूक्रेन में पढ़ाई करना, जाकर के पढ़ाई करना असंभव है। रूस के हमलों से जो स्थिति बनी है, उससे उभरने में, उससे बाहर आने में यूक्रेन को सालों लग जाएंगे। खार्किव और कीव जैसे शहरों में, जहां भारत के सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, वहां इतनी तबाही हो चुकी है कि रहने का ठिकाना तक नहीं बचा है। हमलों में कई सारे शिक्षण संस्थाएं जो हैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि सरकार का पूरा ध्यान अभी उन्हें युद्ध क्षेत्र से निकालने और उन्हें सकुशल घर तक पहुँचाने का है। युद्ध जैसी अपरिहार्य स्थिति में उनके करियर को बचाने में सरकार क्या मदद कर सकती है, इस पर भी सोचा जा रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पढ़ने गए हुए थे बच्चे, उनके अभिभावकों को ये आशा है कि सरकार ज़रूर इस मामले में उनकी मदद करेगी। बहुत सारी कोशिशें अपने अपने एंगल से की जा रही हैं। IMA ने मोदी को एक पत्र लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स को एक उचित वितरण के माध्यम से उनके शेष MBBS पाठ्यक्रम के लिए भारतीय मेडिकल कॉलेजों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इसे वार्षिक समायोजन क्षमता वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने भी इसके लिए एक प्लान सोचा है, जिस पर अभी अमली जमा पहनाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर में सारी चीजें हैं। अगर अगले कुछ दिनों में युद्ध रुक जाता है तो अगले कुछ महीनों के भीतर वहाँ हालात जो हैं नॉर्मल हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद काफ़ी कम है। लेकिन वहाँ की सरकार युद्ध के कारण हुई कोर्स की जो लॉस हुआ है उन्हें, उसकी भरपाई के लिए अभी सोच सकती है, जब वहाँ हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएं। इस तरह से छात्र फिर से वहाँ जा कर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने फिर आपको याद दिलाया है कि ये जो वहाँ जाकर के फिर से पढ़ाई करने की बात है, वो भी बहुत दूर की बात है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत सरकार को भी अपने यहाँ, अपने देश में कई सारे विकल्प खोजने होंगे। हालांकि 18,000 छात्रों को समायोजित करना कोई आसान बात नहीं है। ये छात्र अलग अलग वर्षों के हैं, अलग अलग उनके अलग अलग ईयर्स में उनके कोर्स चल रहे हैं, इसलिए सरकार एक ऐसा फैसला दे सकती है जिससे कि वो नए सिरे से अपने देश में पढ़ सके। और कई स्टेट्स के छात्रों को वहीं के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा सीट संख्या के इतर समायोजित किया जा सकता है। ये सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि नीट पास होने के बाद ही विदेशों में एडमिशन ये लेते हैं। हालांकि मेरिट में नहीं होने के कारण उन्हें जब देश में मेडिकल की सीट नहीं मिलती है तो वो विदेश का रुख करते हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स पे यही बात लागू होती है, वो इसीलिए यूक्रेन गए हैं। यूक्रेन पे रूस के हमले के बाद सरकार को भी अब ये एक नया अनुभव हुआ है, उन्हें आभास हुआ है
की सस्ती शिक्षा और आसान दाखिला का जो प्रोसेस है वो अगर हो जाता है तो लोग अपने बच्चों को अपने देश में ही पढ़ा सकते हैं, अन्यथा पहले की तरह वो सोवियत देशों की ओर रुख करेंगे। इसलिए सरकार पे काफी प्रेशर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को देश में सस्ती शिक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। तो ये सब बातें अभी काफी अर्ली स्टेज पर हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये कंटेंट, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।